गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ऑफ क्लास टू। मैं आप लोगों को इंग्लिश का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दी हूँ और यहाँ जो भी था ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो भी आप लोग को कंप्लीट हो चुका है। सो आप लोग इसे याद करना बिल्कुल ना भूलें। ये नहीं है कि ओनली आप लोगों को नोट डाउन करना, इसे रिमेम्बर भी करना है। ओके, यानी कि सिर्फ लिख लिया और रख दिया उसे, नहीं, इसे याद करना भी ज़रूरी है। ओके, सो मैं आज कुछ यहाँ पे आप लोगों को क्लास वर्क टाइप और कुछ होमवर्क दूंगी। सो लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली, देखें यहाँ, रीड द नेमिंग वर्ड्स इन द टेबल। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स दिए हुआ टेबल में, दो टेबल बना हुआ ए और बी। ओके, द नेमिंग वर्ड्स इन कॉलम ए आर यूज्ड एज मेल्स, द नेमिंग वर्ड्स इन कॉलम बी आर यूज्ड एज फीमेल्स। कॉलम ए में क्या है, मेल है, और कॉलम बी में फीमेल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैन का क्या होता है, वोमेन होता है, फीमेल, बॉय का गर्ल, हॉर्स का मेयर, ड्रैग का डक। तो ये मेल हुआ कॉलम ए में, और ये कॉलम बी में क्या हुआ, फीमेल। ठीक है, तो इसको आप लोगों को लर्न करना, ये चार वर्ड आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है, तो उसका क्या करना है, मेल को फीमेल में, फीमेल का याद करना है कि मैन का फीमेल क्या होगा, बॉय का फीमेल क्या होगा, हॉर्स का फीमेल क्या होगा, ड्रैग का फीमेल क्या होगा। ये आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में ये चार वर्ड इस तरह से टेबल बना लेंगे और लिख कर ये क्वेश्चन लिख लेंगे, रीड द नेमिंग वर्ड्स इन द टेबल, और ये लिखना है। उसके बाद आपको याद करने से मैचिंग नहीं करनी है आपकी कुछ भी, सिर्फ रिमेम्बर करना है। ठीक है, वो क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द टेबल वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें आप लोगों को यहाँ टेबल दिए हुआ है, उसके को क्या करना है, उसमें से वर्ड को चूज करना है और यहाँ फिलअप करना है। इसमें भी मेल और फीमेल बनाना है आप लोगों का। ठीक है, मेल वाला वर्ड दिए हुआ है और फीमेल वाला वर्ड भी यहाँ आप लोगों को बॉक्सेस में दिया हुआ है, इसमें से आपको पिक करना है और इसमें फिलअप करना है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन लिख लेंगे, ये आप लोग को गिवन वर्ड्स वो लिख लेंगे, उस तरह से आप लोग इस तरह से एक टेबल अच्छे से बना लेंगे, उसमें ऐसे मेल फीमेल लिख लेंगे, और अंकल, किंग, लायन। उसके बाद इसमें अंकल का क्या होता है, अंट होता है, तो अंट लिखेंगे। किंग का क्या होता है, तो क्वीन होता है, तो क्वीन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, लायन का क्या होता है, फीमेल, तो लाइनेस होता है, तो ये हम लोग यहाँ लिखेंगे। ग्रैंडफादर का फीमेल क्या होगा, तो ग्रैंडमदर, तो यहाँ हम लोग ग्रैंडमदर लिखेंगे। बुल का क्या होगा, काउ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, काउ लिखेंगे। और कॉक का क्या होगा, हेन, तो ये आप लोगों का मेल से फीमेल बन गया। तो इसे आप लोग क्या कर लेंगे, ये दोनों क्वेश्चन को लर्न करना है और इसे आपको बनाना है और इसे भी लर्न करना है। ओके, यहीं तक आप लोग आज मैं करवा रही हूँ आप लोग का, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियरली आप लोग को दिख रहा है। ओके, थैंक यू।